जनता का ये रिपोर्ट कार्ड लाहार से है और लाहार से जनता के रिपोर्ट कार्ड ने बेहद चौंकाया है। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह फेल हो गए। लाहार में भाजपा की जीत की बहार, और ये जीत न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश में भी चर्चा का विषय बनने वाली है, क्योंकि भाजपा के अंबरीश शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को कड़ी मत दे दी है। जी हाँ, जो बीजेपी प्रत्याशी है अमरीश शर्मा गुड्डू, वो 41,880 वोटों से जीत दर्ज करा चुके हैं। 41,880 वोटों से जनता के रिपोर्ट कार्ड में अमरीश शर्मा गुड्डू पास हो चुके हैं। आपको बता दें कि गोविंद सिंह को 35,390 वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी प्रत्याशी अमरीश शर्मा गुड्डू को 41,880 वोट मिले हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह फेल हो चुके, हार चुके। कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत बड़े झटके लगे हैं। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता, मजे हुए नेता इस बार जनता के रिपोर्ट कार्ड में फेल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा झटका उसको लगने वाला है, पर यह सच्चाई है कि गोविंद सिंह चुनाव हार चुके हैं और बड़ी हार उनको मिली है। जी हाँ, विपक्ष में पहली कुर्सी पर बैठने वाले गोविंद सिंह जनता के रिपोर्ट कार्ड में फेल हो गए। अमरीश शर्मा गुड्डू ने उन्हें फेल कर दिया और अमरीश शर्मा गुड्डू पास हो चुके हैं। जनता का रिपोर्ट कार्ड हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आप बने रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।